क्या हुआ? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या बनाना है? मैं घर बनाऊंगा, मैं कोणार्क मंदिर बनाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, नहीं, मैं कोणार्क मंदिर बनाऊंगा। दोस्तों, ये मेरे आर्ट क्लास के 3 नमूने हैं, पिंकू, अंशु और देवाशीष। इनके स्कूल में इनको प्रोजेक्ट वर्क दिए हैं, तो इसीलिए चलिए आज इनको हेल्प करते हैं, बनाते हैं इनका प्रोजेक्ट और हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पिंकू बाबू का प्रोजेक्ट वर्क है, वो घर बना रहे हैं अपना। और इस तरफ अंशुमान का कोणार्क मंदिर का काम चल रहा है। और इस लड़के का क्या वर्क बनेगा ये फाइनल नहीं हो पा रहा है। अरे मैं घर बनाऊंगा। ये भी घर बनाएगा। सबका स्कूल में आज प्रोजेक्ट का वर्क दिए हैं, तो इसीलिए सब जोरों शोरों से लगे पड़े हैं। थोड़ी देर इनको मेहनत करता हुआ देख, उसके बाद हम उतरे मैदान में। और सबसे पहले मैं बना रहा हूँ, पिंकू जो बना रहा है घर, उसके लिए मैं कार्डबोर्ड पीसेस को कट करके दीवारें बनाऊंगा। हमारे पास टाइम सिर्फ एक ही दिन का था, तो देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क घर और कोणार्क मंदिर का काम खत्म हो पाता है या फिर नहीं। चलिए मेरे साथ ही देखते। अभी पिंकू महाराज का घर का छत हम बनाएंगे, एस्बेस्टर का घर होगा। इस कार्डबोर्ड के पैटर्न को हम इसको ऊपर का पार्ट बनाएंगे। ये पूरा निकल गया है ये पीस का, या फिर ये इसको घर के ऊपर वाले पार्ट में लगाएंगे। अभी इसको ग्लू से लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा सा इस पीस को घर के सारे दीवारों को ग्लू से ऐसे चिपका देंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा। अभी घर का दूसरे पीस को चिपका देंगे वैसे ही। आखिरी पीस को चिपका देंगे। कार्ड ही जितना मैंने पीस बनाया है वैसे वैसे ही वो वाला काटो। ये दोनों साइड का काटो, बीच वाला का काटो, उसके बाद लाके देना। तेरा मेरे को पता हूँ कैसे ये वाला देखो कैसे कैसे काटना है। ये वाला देखो काटो। अभी पिंकू का सारा दीवार हो गया है, अभी छत का काम होगा, उसके बाद घर हो जाएगा रेडी। पिंकू महाराज का घर अच्छा लग रहा है? अच्छा है। आप रहोगे इसमें? ओ, ये देवाशीष का तो डाउट बढ़ता ही जा रहा है। जितनी बार मैं समझा रहा हूँ वो उतनी बार पूछ रहा है। उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। हो गया घर रेडी। उसके बाद कलरिंग करेंगे। कलरिंग करने के बाद पूरा फिनिशिंग दिखेगा। उसी तरह एक और काटो। मन का कोणार्क मंदिर का भी 4 पीसेस अभी तैयार है, उसको भी हम चिपका देंगे चारों कोने से। इसको और थोड़ा सा लंबा करो, इसके अंदर आदमी घुसेगा नहीं। इसको थोड़ा लंबा करके काटो। ड्यासिल से ढकना, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा बना के उसके बाद ड्यासिल की तिल्ली से उसको ढकना। लो बड़ा है, उसको ध्यान से देख के उसको काट के छोटा करो। या
स्कूल वाले कहाँ सोए पड़े रहते हैं, अभी लास्ट में ही सब कुछ को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देते हैं। अभी चॉकलेट का चकुल चकुल चला बेचारा देवाशीष कुछ नहीं बना पाया, ना घर बना ना कोणार्क मंदिर, अभी दोस्तों को हेल्प ही करेगा। अभी कोणार्क मंदिर का ऊपरी हिस्सा बनाते हैं, जो बॉक्स आप लोग देख रहे हैं उसके ऊपर कार्डबोर्ड पीस को चिपका के उसको बंद कर देंगे। उसके ऊपर नीचे वाले बॉक्स से थोड़ा छोटा वाला एक मैंने बॉक्स बनाया है उसको उसके ऊपर चिपकाएंगे, और उससे भी छोटा एक बॉक्स बना के टॉप में उसको चिपकाएंगे। हमारे पिंकू महाराज तो लगे पड़े हैं उनके घर को कलरिंग करने में, तो कैसे कलरिंग होता है चलिए देखते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोणार्क मंदिर का ऊपरी हिस्सा बनाने के लिए थर्माकोल को शेप में लाऊंगा। अभी देखिए कैसे यूं चुटकी में काम करूंगा, ये देखिए, देखा कैसे फटाफट हो रहा है। स्केच पेन दो ना थोड़ा, काफी मंदिर का ऊपर पार्ट ये हो गया है। इसको भी काट दूं। अभी इसको काट दूं। धरी दिखाओ। देख ले। देंगे। देख लेना भाई। फिर क्या करेंगे? पिंकू का घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, कलरिंग खत्म होगा। मेरे को लगता नहीं है। हाँ तेरे तरह नहीं, फेंक देगा घर बना के।
पिंकू बाबू का घर हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। यह है हमारे अंशुमान का कोणार्क मंदिर का बेस। कोणार्क मंदिर के चारों तरफ हरियाली दिखाने के लिए छोटे छोटे पौधों को काट के चिपका रहे हैं। लीजिए, अभी मैं कोणार्क मंदिर को बेस के सेंटर में चिपका देता हूँ और तैयार हो गया हमारा कोणार्क मंदिर का सेट। तो फाइनली पिंकू का घर भी रेडी हो गया और अंशु का कोणार्क मंदिर भी रेडी। तो आपको सबसे अच्छा कौन सा वाला मॉडल लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय जगन्नाथ। दस पिलर बन के तैयार हो चुका है, 10 पिलर रेडी है, उसके बाद हम और भी 20 पिलर चाहिए। खड़ा क्यों, तेरा प्रॉब्लम क्या है यार?